बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट लेक्चर नंबर 19 है जिसमें हमने कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एग्जांपल करनी है। स्टूडेंट कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो जिसमें हमने पढ़ा था कि हमें वैल्यूज इंटरवल की सूरत में गिवन होती हैं और वो हमने उनमें ऑल पॉसिबल उस इंटरवल के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आ रही होती हैं वो इंक्लूडेड करनी होती हैं कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर हमने पढ़ा था कि ये टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता, हम इसको ग्राफ या फार्मूले की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसकी मेन टू प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जो कि हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कह रहे थे या डेंसिटी फंक्शन, इसके हमने टू मेन प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ी थी कि एक तो नॉन नेगेटिव फंक्शन है कि हमारे पास जीरो से स्टार्ट होता है जैसे ग्रेटर वैल्यूज इंक्लूड होती है, नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती। फिर हम कहते थे एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वन। अब स्टूडेंट अगर इसकी एग्जाम्पल आ जाती हैं तो आपने एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में अक्सर आपके पास इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आई होती है। अब स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल गिवन है और आपने इसको सॉल्व करना है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि आपको फंक्शन दे दिया गया है, लिमिट्स आपको दे दी गई हैं और आपको कह रहे हैं जी आप फाइंड करें फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या, हमने पढ़ा था कि टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वन, कि जो हमारे पास टोटल एरिया अंडर द कर्व है ना वो वन की इक्वल आना चाहिए। अब मैं यही सॉल्व करके मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी फंक्शन हमारे पास था और हम कहते हैं ये इज इक्वल टू वन क्योंकि टोटल एरिया अंडर द वन। अब हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, लिमिट्स भी गिवन है, लिमिट्स आपके लोअर लिमिट्स क्या गिवन है टू गिवन है, अपर लिमिट्स आपको गिवन है फोर। अब स्टूडेंट आपको लिमिट्स तो ऑलरेडी गिवन है, फंक्शन आपने पुट करना है, आप फंक्शन पुट कर लो, आपके पास क्या आएगा एक्स प्लस वन एट एंड वन। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, क्योंकि वन बाई एट इज अ कॉन्स्टेंट तो हम कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा टू एंड फोर एंड एक्स प्लस वन एंड डी एक्स। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने जो सॉल्व करना है स्टूडेंट इंटीग्रेशन, आपको पता है कि जब हम इंटीग्रेशन एक्स की लेंगे, जब एक्स की आप सेपरेट इंटीग्रेशन लोगे साथ में वन की इंटीग्रेशन लोगे तो ये क्या आएगा, जब एक्स की इंटीग्रेशन लेते हो तो हम पावर में ऐड करते हैं, जितनी उसकी पावर है उसमें वन ऐड करोगे और उसी पावर को आप अगेन नीचे लिख दोगे और यहाँ हमारे पास एक्स की इक्वल आ जाएगा ये इंटीग्रेशन, और हमें जो गिवन थी वैल्यूज़ वो आपको ये गिवन थी जो आपके पास लिमिट्स गिवन थी। अब इसी को मैं ज़रा ऊपर सॉल्व कर रही हूँ स्टूडेंट क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। अब वन बाई एट हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस एक्स एंड दिस वन। जब हम इनमें लिमिट्स पुट करोगे तो स्टूडेंट आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि सबसे पहले आपने अपर लिमिट्स को पुट करना है, आपने वन बाई एट यहाँ लिखोगे फोर का स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस फोर आपके पास आ गया माइनस, फिर आपके पास क्या आ जाएगा लोअर लिमिट टू का स्क्वायर डिवाइड बाई टू एंड प्लस टू, ये आपके पास आ गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो इज इक्वल टू वन आएगा एंड वन ये आपके पास जो आ रहा है तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वन है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपके पास क्या होता है कि ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है कि आपके पास जो एरिया अंडर द कर्व है वो वन आ रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि जी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन तो हमें ऑलरेडी गिवन है, अगर वो आपको कह रहे हैं कि जी आप वैल्यू फाइंड करके बताएं पी एक्स इज इक्वल टू 1.5, तो स्टूडेंट मैंने कल भी आपको बार बार एक चीज़ रिपीट कर रही थी जब आपको लेक्चर दे रही थी कि जब भी एग्जैक्ट वैल्यू कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होगी उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो इज इक्वल टू जीरो की इक्वल होगी, क्योंकि हमारे पास कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरवल गिवन होता है और उस इंटरवल के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आ रही होती हैं वो हमने काउंट करनी होती हैं। तो यहाँ आपके पास आप डायरेक्ट इसको लिख दो कि इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास रेयर केसेज होते हैं और अगर ऐसे केसेज आ जाते हैं तो आप उसको डायरेक्ट जीरो के इक्वल लिख दो, और ये आपने बात अपने माइंड में रखनी है। अक्सर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जब आपको इस तरह के एग्जैक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और कहते हैं जी कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें, तो वहाँ आपको याद होना चाहिए कि ये इज इक्वल टू जीरो होते हैं। अब स्टूडेंट अगर आपके पास लिमिट्स उन्होंने चेंज कर दी, अगर वो कह रहे हैं जी आप 2.4 एंड आप फाइंड करें 3.5, तो सिंपल है, आप जो लिमिट्स आपको फंक्शंस की गिवन थी आप लिखें लोअर लिमिट अपर लिमिट्स, फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है वन बाई कॉन्स्टेंट है एक्स प्लस वन एंड दिस वन। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट वो मेरे पास क्या आ जाएंगी वन बाई एट, यहाँ मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रीवियस आपको बता चुकी हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा पावर में एक ऐड होगा तो यह आ जाएगा और एक्स वन की जब आप इंटीग्रेशन लोगे तो एक्स की इक्वल होगा
जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो आप लिख दो। अब आपने क्या करना है, अगेन स्टूडेंट एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपने सॉल्व करना है आपने पहले अपर लिमिट्स को पुट करना, नॉट लोअर लिमिट्स। अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पहले लोअर लिमिट्स को पुट कर देते हैं फिर माइनस करें अपर, वहाँ आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। आपने सबसे पहले अपर लिमिट्स को पुट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3.5 माइनस 2.4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2.4। एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट वो आपके पास आएगा जी 0.54। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है कि मेथड समझा दूं कि आपको पता हो कि हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। बाकी स्टूडेंट अगर कोई भी लिमिट्स आपको दे दी जाती है ना इसमें, तो उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा स्टूडेंट एक और मैं आपको साथ प्रॉब्लम बता देती हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना। अक्सर आपको स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, ओनली वन लिमिट्स गिवन होती है या लोअर लिमिट्स दे दी जाती है या अपर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ, आपके पास यहाँ जो गिवन है वो उन्होंने अपर लिमिट्स दे दी है एंड लोअर लिमिट्स दी नहीं है। हमने कहा था कि कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक इंटरवल गिवन होता है जिसमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज हमने काउंट करनी होती हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ परेशान नहीं होना, अगर आपको कोई भी या लोअर लिमिट या अपर लिमिट्स गिवन है तो ऑलरेडी आपको इंटरवल तो गिवन है ना कि आपके पास टोटल इंटरवल क्या है, आपको इसी इंटरवल के दरमियान दरमियान में वैल्यूज दी जाएंगी। तो अगर 3.5 वो कह रहे हैं कि आपके पास अपर है तो लोअर फाइंड करने के लिए आपको तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोअर तो आपको ऑलरेडी पता है लोअर लिमिट। तो आप लोअर लिमिट को 2 ले लो, आप क्या लिखोगे, आप यहाँ 2 लोअर लिमिट हो जाएगी एंड अपर लिमिट 3.5। बाकी प्रोसेस आपके पास बिल्कुल सेम होगा, अब आप 2 एंड 3.5 1/8 एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसी तरह आपने सॉल्व करना है जैसे आप सॉल्व करते आए हो, यहाँ आपने लिखना है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स एंड ये आपके पास आ जाएंगी वैल्यू। जब आप पहले अपर लिमिट्स पुट करोगे फिर लोअर लिमिट्स पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.703। ये स्टूडेंट आगे आपने सिंपल आपने जो अपनी लिमिट्स आपको गिवन है वो आपने पुट करनी है और आंसर लेने, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, सिंपल आपने याद रखने हैं। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन इसमें आ जाती है कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ गया तो वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 की इक्वल होगी, या अगर आपको एक लिमिट्स गिवन और सेकेंड आपने खुद फाइंड करनी है तो इंटरवल तो आपको टोटल गिवन होता है ना, आप उसमें से अपनी वैल्यूज फाइंड कर लो। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है इस लेक्चर से रिलेटेड या इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।